आज मैडम का ड्राइविंग टेस्ट है, मैडम को समझाया जा रहा है कि गाड़ी कैसे कैसे लेके जानी है, कैसे कैसे क्या करना है। धर्म पत्नी की सांसें फूली हुई है, हालत खराब है इनकी। दो चीजें बहुत डिफिकल्ट है जिसको आपको करना ही करना है, अगर आपने वो कर लिया तो आप फेल नहीं हो सकते। ये बहुत डिफिकल्ट है, आपको बैक करनी आनी चाहिए। आप गाड़ी को बैक करने में खिलाड़ी बन गए तो आप लाइसेंस को आसानी से पास कर सकते हो। अच्छा, मेन आपको क्या लग रहा है मैडम, बैक करने में दिक्कत आएगी? एट एट तो फिर भी आगे जाना है, फॉरवर्ड जाके आना है। आपकी बहन दीपिका जा रही है टेस्ट देने। सब कुछ लाइव दिखाऊंगा आपको मैं, ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने जा रही है मैडम। गाड़ी चालू नहीं हो रही इससे। मैडम की गाड़ी पे सेंसर लगा दिया गया है, देखो शीशे के ठीक नीचे, मिरर के ठीक नीचे देखो आप, सेंसर लगा दिया गया है। मैडम बैक कर ले। आपको मैंने शुरू में कहा था कि आपको गाड़ी बैक करने आनी चाहिए, आप गाड़ी को पास कर लोगे। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए दोबारा बोलूंगा पापड़ बेलने पड़ सकते हैं आपको। जिसको ऐसा लग रहा होगा ना कि दिल्ली में पहले वाली बातें हैं, आराम से बन जाएगा, अंदर खाते पैसे देके काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द्वारका सेक्टर 22 में मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट होगा, प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को देखा जाएगा। आज मैडम का ड्राइविंग टेस्ट है, मैडम को समझाया जा रहा है कि गाड़ी कैसे कैसे लेके जानी है, कैसे कैसे क्या करना है। भाई साहब समझा रहे हैं कि गाड़ी को बैक लेके जाना, पार्किंग में लगानी है। मैडम की हालत खराब हो रखी है दोस्तों, आपको पूरी लाइव वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरीके से दिल्ली में लाइसेंस बनता है, कैसे समझाया जाता है, कैसे समझाया जाता है, हर एक चीज आपको बताऊंगा मैं। दिल्ली में लाइसेंस बहुत डिफिकल्ट है, ड्राइविंग टेस्ट के लिए आप पूरे खिलाड़ी होने चाहिए। हल्की सी भी मिस्टेक हुई तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं कि उसके लिए आपको कैसी कैसी जानकारी, देखो एक एक चीज भाई साहब बता रहे हैं कि लाइन से पहले आपको गाड़ी रोकनी है, वो सामने सेंसर लगा हुआ, हर एक चीज बताई जाएगी और ये पूरा आर्ट बनाया जाएगा जब गाड़ी अंदर आएगी। ये देखो आपको बताता हूँ मैं, देखिए आप दिल्ली में ड्राइविंग टेस्ट, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पापड़ बेलने पड़ सकते हैं आपको। पहले वाली बातें नहीं है जो 5-7 साल पहले 10 साल पहले हुआ करती थी। देखो इस तरीके से गाड़ी अंदर आएगी, पूरी गाड़ी को घुमाया जाएगा यहाँ से, उसके बाद यहाँ से घुमाया जाएगा, आठ बनाया जाएगा, गाड़ी को फिर वहाँ से वहाँ लाया जाएगा, फिर वहाँ पार्किंग में लगानी पड़ेगी गाड़ी। पार्किंग में लगाने के बाद गाड़ी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आने के बाद गाड़ी फ्लाईओवर पर चढ़ेगी। दोस्तों धर्म पत्नी की सांसें फूली हुई हैं, हालत खराब है इनकी, इनको एक एक चीज बताई जा रही है। कैसा लग रहा है मैडम, इनको सपोर्ट कर दो, थोड़ा ही डरी हुई है, है मैडम, इनको थोड़ा सपोर्ट कर दो यार। मैं खुद डरी हुई हूँ। अच्छा आप भी डरे हुए हो, क्या हुआ? गाड़ी यहाँ रोकनी है, जो आगे वाली नंबर प्लेट है ना वो यहाँ रोकनी है, ठीक है, वो पीले कलर पे नहीं जानी है। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए दोबारा बोलूंगा पापड़ बेलने पड़ सकते हैं आपको। जिसको ऐसा लग रहा होगा ना कि दिल्ली में पहले वाली बातें हैं, आराम से बन जाएगा, सिस्टम ये है, अंदर खाते पैसे देके काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द्वारका सेक्टर 22 में मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट होगा, प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को देखा जाएगा। हर जगह सेंसर लगे, हर जगह लाइट लगी हुई है, हर एक जगह कैमरे लगे हुए हैं, प्रॉपर तरीके से गाड़ी को चलाना है। आपको दोबारा बताऊंगा मैं शुरुआत कहाँ से होगी, गाड़ी की शुरुआत यहाँ से होगी, शुरुआत ऐसे होगी, गाड़ी यहाँ यहाँ पे आके रुकेगी, आपको उसके बाद बैक करनी है, गाड़ी बैक करनी है, उल्टी लेके जानी है गाड़ी पीछे तक, पीछे जैसी गाड़ी को आगे ले जाओगे फिर वहाँ से सेंसर ओके करेगा, यहाँ से हरी लाइट जलेगी, आपको गाड़ी को आगे लेके जाना है। यहाँ से लेने के बाद फिर दोबारा से आपको यहाँ से घुमाने के बाद बाहर निकलना है। यहाँ से गाड़ी आपकी निकलेगी, सीधा जाएगी, घूमते घूमते मैंने आपको बताया था पीछे कि वहाँ पे गाड़ी पार्किंग में लगाई जाएगी, पार्किंग में लगाने के बाद दोबारा गाड़ी बाहर निकाली जाएगी, फिर आपकी गाड़ी चलेगी फ्लाईओवर के ऊपर। कहने का मतलब है दो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है, एक तो ये जो मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, दोबारा सुन लो आप, ये बहुत डिफिकल्ट है, आपको बैक करनी आनी चाहिए। आप गाड़ी को बैक करने में खिलाड़ी बन गए तो आप लाइसेंस को आसानी से पास कर सकते हो। लाइसेंस मेरा कैसे बनेगा, कैसे दिक्कतें आएंगी, कैसे दिक्कतों का सामना उनकी मैं टेंशन खत्म कर रहा हूँ, उनका पेन खत्म कर रहा हूँ मैं। लाइसेंस आपका द्वारका में कैसे बनेगा, दिल्ली में कैसे बनेगा, दोबारा बता देता हूँ, आपको गाड़ी को बैक करना आना चाहिए। बैक करने में आप खिलाड़ी होने चाहिए, अगर आप खिलाड़ी बन गए बैक करने में तो आप लाइसेंस को पास करवा सकते हो। लाइसेंस कैसे पास होगा, लोग बोलते हैं भाई आसान है, ये है वो है, नहीं। उसके बाद जब गाड़ी वहां जाएगी, जो मैंने आपको पार्ट दिखाया था, वहां पे गाड़ी पार्किंग के अंदर लगेगी, देखो अंदर एक स्पेस बना, आपको दिखाता हूँ पास जाके मैं। ये देखो दो चीजें बहुत डिफिकल्ट है जिसको आपको करना ही करना है, अगर आपने वो कर लिया तो आप फेल नहीं हो सकते लाइसेंस के अंदर। लाइसेंस आपका आसानी से बन जाएगा, आपको पता है, आपको दिख रहा होगा मेरी वाइफ बहुत टेंशन में है, बहुत घमंड में रहती थी कि मैं बना लूंगी, आज उसकी सांसें फूली हुई है। ये देखो गाड़ी को ना यहां से बैक करके लाना है और पूरा ऐसे सेट करना है, गाड़ी की बैक सामने होनी चाहिए, फ्रंट सामने होना चाहिए, उसके बाद गाड़ी यहां से निकलेगी, फिर चढ़ेगी फ्लाईओवर के ऊपर। अभी कैमरा मैडम के पास लेके जा रहा हूं मैं,
मैडम से पूछते हैं कैसी उनकी कंडीशन है, कितनी उनकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि काफी दिनों से उसमें घमंड में थी कि मेरा लर्निंग बना हुआ है, मैं पास कर लूंगी। इस टाइम ये 3 लोगों का टेस्ट होगा, उसके बाद कुछ लोग और वेटिंग में बैठे हैं, उनका भी टेस्ट होने वाला है। हाँ छोटे भाई, कैसा लग रहा आपको, टेस्ट पास कर लोगे आप? आराम से। मैडम कैसा लग रहा है आपको, टेस्ट पास कर लोगे? नहीं लग रहा वैसे, बट हो जाए तो देखते हैं। अच्छा हो जाए, अच्छा घबराहट है ना अंदर। हाँ दीपिका अपना बताओ आप। मेरे को तो, मैं तो किसी के पापा से डरती हो जाएंगे फेल हो। अच्छा अभी भी घमंड है ना, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों कुछ कहना चाहोगे अब लाइसेंस के लिए कि कितना आसान होता है कितना? गाइस अभी पता है क्या, सारा दिमाग का खेल है। अच्छा गाड़ी तो एक पल को फिर भी चल जाती है, वो बंदा भूल जाता है चीजें। अच्छा मेन आपको क्या लग रहा है मैडम, ब्रेक करने में दिक्कत आएगी? एस बनाने में दिक्कत आएगी। एट तो फिर भी आगे जाना है, फॉरवर्ड जाके आना है। हाँ बट एस में पूरा रिवर्स जो है ना। अच्छा वो रिवर्स कह रहे हैं। आपको डर किस में लग रहा है, पार्किंग वाले पर मैटर में? डर लग रहा है, आप मेरे साथ आए हो पक्का काम। उस पर डर नहीं लग रहा कि जो गाड़ी पार्किंग में लगेगी? पार्किंग में भी हाँ थोड़ा सा है, वहाँ थोड़ा सा है। छोटे भाई आपको डर किस में है? मेरे किसी में नहीं है, बिल्कुल ओके हो, परफेक्ट हो? परफेक्ट। क्या बात है यार, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा होना चाहिए भाई जैसा। भाई ने बता दिया यहाँ पे अब टेस्ट स्टार्ट होगा। हाँ दीपिका सबसे पहले मैडम का होगा, भैया पहले टेस्ट मैडम का होगा, आपकी मर्जी है इनकी। चलो पहले करना है, चलो स्टार्ट करो जी। चलो जी घमंड चकनाचूर। आपकी बहन दीपिका जा रही है टेस्ट देने, वो सब कुछ लाइव दिखाऊंगा आपको मैं, ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने जा रही है मैडम। आज मैडम का टेस्ट देखते पास होती नहीं होती। हाँ हाँ दिखा रहा हूँ जनता को, एक एक चीज दिखाऊंगा। देखो दोस्तों गाड़ी कैसे बैक करेगी भी है, अब पता लगेगा। चलो भाई गाड़ी स्टार्ट कर। बहुत उसमें थी कि मैं लाइसेंस बनवा लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। अब मैडम का ड्राइविंग टेस्ट होने जा रहा है द्वारका सेक्टर 22 में, किस तरीके से गाड़ी को घुमाना है, किस तरीके से बैक करना है, कैसे एट बनाना है, कैसे पार्किंग में गाड़ी लगानी है, एक एक चीज आपको दिखाऊंगा। मैडम का जोश अभी ठंडा हो रखा है, ये देखिए आप, गाड़ी चालू नहीं हो रही इससे, ये क्या टेस्ट देगी यार, क्या कर रही है। चल भाई, मैडम की गाड़ी पे सेंसर लगा दिया गया है, देखो शीशे के ठीक नीचे, मिरर के ठीक नीचे देखो आप, सेंसर लगा दिया गया है जो एक एक चीज को ट्रैक करेगा, कहाँ मैडम गलती करेगी वहाँ सायरन हो जाएगा वो। क्या लगता है भाई जी, कर लेगी मैडम? हमको बता तो दिया था मैंने, जैसे चलानी है। कर जा बैक, कर जा बैक, कर जा। मैडम बैक कर ले, सारा तेरा हंसना नातरा निकल गया, यहाँ पर उड़ती रहती हवा के अंदर। एक 180 सेकंड का टाइम था, पता नहीं खत्म कर दिया, क्या कर दिया इसने। कल से आप दोबारा ट्राई कर, फेल होगी मैडम। टाइम पूरा, टाइम खत्म कर लिया, बैक करने में टाइम खत्म कर लिया। क्या हो गया, फेल हो गई? जनता ने सब कुछ देखा, तेरे से गाड़ी बैक ही नहीं हुई। अरे बैक क्या करूंगी यार, गड्ढे लगा रखे हैं इन्होंने। कोई दिक्कत नहीं, पता लग गया, पापा का फोन आया था, उसको बोलियो थोड़ा हवा में कम उड़ा करे, ठीक है, ठंडी नीचे बैठ जाओ। वीडियो मत बनाना। नहीं सर, नहीं वीडियो दिखेगी, जनता को दिखाऊंगा ना मैं, पूरे घमंड में गई थी, बना लूंगी, चला लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। मत करो यार। तो दोस्तों यहाँ पे किसी की अप्रोच नहीं लगती, झेकने लगती, खिलाड़ी होने चाहिए बैक करने के अंदर। आपको मैंने शुरू में कहा था कि आपको गाड़ी बैक करनी आनी चाहिए, आप गाड़ी को पास कर लोगे। मैडम बैक नहीं कर पाई और बार बार आगे पीछे आगे पीछे। ज्यादा वो चौधरी मत बनो, उन्होंने बोला कि 20-20 साल पुराने बंदे फेल हो जाते हैं। अरे अब तो पानी, पैरे पानी थोड़ी गिरने देगी तो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को दबा के शेयर मारना और ऐसा मैडम जैसा कमेंट मत रखना, मेरी धर्मपत्नी में एक्स्ट्रा कमेंट है और मेरे को पता है आपकी धर्मपत्नी में शायद नहीं होगा, अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ भाई आपकी बीवी से ज्यादा ही है। तहलका मचाता रहूंगा, एक एक चीज सच दिखाता रहूंगा, गलत चीज का सपोर्ट नहीं करूंगा। ये नहीं कि मेरी वाइफ में सपोर्ट कर दूं मैं, नहीं, हवा में नहीं उड़ना चाहिए और घमंड में नहीं रहना चाहिए। फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा, वो है हमारा तेलका भाई, करता है केयर, दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं ये तो बंदा है रेयर, दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है। तेलका मचाता है ये, तेलका मचाए।